हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसी चल रही पढ़ाई? लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मल आवेश और अष्टक के नियम की मर्यादाओं के बारे में सीखा था। आज इस लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशन सीखेंगे जो इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स में भी यूजफुल हैं। इस डेफिनेशन जितनी बताऊँ वो सारी अच्छे से तैयार कर लेनी है आपको। हमारा पहला पॉइंट है आयनिक या विद्युत संयोजी आबंध। आयनिक आबंध विर्चन की कोसेल तथा लुईस अवधारणा से निष्कर्ष निकलता है कि इस आबंध का विर्चन मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर होगा। उदासीन परमाणु से संबंधित धनायन और ऋणायन के बनने की सरलता, और दूसरा पॉइंट है धनायन और ऋणायन के ठोस में व्यवस्थित होने की विधि, अर्थात क्रिस्टलीय यौगिक का जालक लेटाइस निर्मित होने की विधि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी के अंदर आयनिक ठोस के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तथा आयनन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का योग धनात्मक हो सकता है। ऐसे में क्रिस्टल की संरचना का स्थायित्व उसके जालक के बनने में उत्पन्न मुक्त ऊर्जा के कारण होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें सोडियम और सोडियम क्लोराइड की रचना, तो इसमें Na धातु से क्या बनता है? Na प्लस आयन, और उसके लिए आयनीकरण ऊर्जा का वैल्यू है 495.8 किलो जोल प्रति मोल, जबकि क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनने की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का वैल्यू है -348.7 किलो जूल पर मोल। देखिए दोनों में कितना सारा डिफरेंस है। अब इन दोनों का मान 147.1 किलो जूल होता है। यह परिमाण सोडियम क्लोराइड के विरचन जालक एंथैल्पी का मान -788 जूल की अपेक्षा अधिक प्रतिपूरित होता है। इसकी संपूर्ण प्रक्रमों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा शोषित ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। अतः किसी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का गुणात्मक मान उस यौगिक के विरचन जालक एंथैल्पी के ऊपर निर्भर करता है, ना कि गैसीय अवस्था में उस आयनिक स्पीशीज द्वारा प्राप्त ऑक्टेट रचना पर। ओके बेटे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जालक एंथैल्पी, दैट इज द जालक ऊर्जा। जालक एंथैल्पी और जालक ऊर्जा क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक की जालक एंथैल्पी कहते हैं। जिसमें जो आयनिक ठोस है उसको धनायन और ऋणायन में विभक्त करने के लिए जो आयन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? जालक एंथैल्पी। इसमें भी अगर हम NaCl का उदाहरण लें तो NaCl की जालक एंथैल्पी का मूल्य होता है 788 जूल किलो जूल प्रति मोल। एक मोल ठोस NaCl का एक मोल Na प्लस तथा एक मोल Cl माइनस में अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए आपको कितनी ऊर्जा चाहिए? 788 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आबंध लंबाई। किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच साम्य अवस्था दूरी क्या कहलाती है? आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। आबंध लंबाई स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्स किरण विवर्तन तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधियों की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। इन तकनीकों का अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में, यानी आगे जब आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, तब इन सब तकनीकों का आप उपयोग करोगे और इनका यूज कैसे होता है इसके बारे में भी अध्ययन करोगे। आबंधित युग्म का प्रत्येक परमाणु आबंध लंबाई में योगदान देता है। सहसंयोजी आबंध में प्रत्येक परमाणु का योगदान उस परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। एक मिनट, सहसंयोजी क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए आर ए प्लस आर बी, दो अणु दिए ए और बी, और आर ए और आर बी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? आर ए प्लस आर बी, जहाँ कैपिटल आर हो जाएगा आपका आबंध लंबाई, तथा आर ए और आर बी जो क्रमशः है ए और बी परमाणु के क्या है? सहसंयोजी त्रिज्याएं हैं। इस तरह हम देख सकते हैं। इसमें आगे देखिए हमारा इसी में बांडरवाल त्रिज्या जो है अनाबंधित अवस्था में संयोजक कोष सहित परमाणु का समग्र आकार निरूपित करती है। बांडरवाल त्रिज्या ठोस अवस्था में विभिन्न अणुओं के दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग होती है। दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग जो है वो क्या कहलाती है? वांडरवाल त्रिज्या। क्लोरीन अणु के लिए सहसंयोजी तथा वांडरवाल त्रिज्याओं को हम आकृति में देख लेते हैं। नीचे देखिए इस आकृति में 180 पिकोमीटर और इसकी जो एक अणु की दोनों 198 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर का आधा मान कितना हो जाएगा? 99, और 360 पिकोमीटर का आधा मान कितना हो जाएगा? 180।
तो इनकी वांडरवाल त्रिज्या क्या है, 99 और 180 पिकोमीटर, अलग अलग अणुओं के, दो अणुओं के बीच की दूरी का आधा मान जो है वो कहला रहा है आपका सहसे वांडरवाल त्रिज्या। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आबंध कोण। आबंध कोण किसे कहते हैं, तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच बनने वाले कोण को आबंध कोण कहा जाता है। आबंध कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और आबंध कोण अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास ऑर्बिटल वितरण की जानकारी देता है। आप आकृति में देखिए H2 अणु, तो H2O यानी पानी का अणु सब जानते ही हो, तो ये पानी के अणु का आबंध कोण होता है 104.5 डिग्री। VSQ में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पानी के अणु का आबंध कोण पूछा जाए तो 104.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आबंध एंथैल्पी। आबंध एंथैल्पी किसे कहेंगे, गैसीय स्थिति में दो परमाणु के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। आबंध एंथैल्पी का मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। हाइड्रोजन के अणु में HH आबंध की आबंध एंथैल्पी होती है 435.8 किलो जूल प्रति मोल, अर्थात H2 में से क्या मिल रहा है, H+H+ HH गैसीय स्वरूप में, और इसकी आबंध एंथैल्पी का वैल्यू है 435.8 किलो जूल प्रति मोल। इसी प्रकार बहुआबंध वाले परमाणु जैसे O2 तथा N2 के लिए हम आबंध एंथैल्पी, तो O2 के लिए देखिए विभाजन हो रहा है, तो O2 के लिए आबंध एंथैल्पी है 498 किलो जूल प्रति मोल, और N2 के लिए आबंध एंथैल्पी है 946.0 किलो जूल प्रति मोल। यदि आबंध विघटन एंथैल्पी अधिक हो तो आबंध अधिक प्रबल होगा। HCl जैसे एक विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु के लिए देखा जाए तो इसकी आबंध एंथैल्पी कितनी हो रही है, 431 किलो जूल प्रति मोल हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आबंध कोटि। आबंध कोटि किसे कहेंगे, तो बॉन्ड जो बनता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज द आबंध कोटि। इसको हम अगर बॉन्ड ऑर्डर जिसे कहेंगे BO शॉर्ट में बोलते हैं, तो सहसृजी आबंध की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु में दो परमाणु के बीच आबंधों की संख्या आबंध कोटि कहलाती है। H2 जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो उसमें सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर उसका हो जाएगा 1। O2 में दो दो इलेक्ट्रॉन सहभाजित होते हैं तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 2, और N2 में तीन होते हैं तो उसमें 3। इस तरह अगर हम CO की बात करें, CO दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसमें भी तीन तीन इलेक्ट्रॉन सहभाजित होते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर या आबंध कोटि कितनी होती है, 3 होती है। तो इस तरह सम इलेक्ट्रॉनिक अणु तथा आयनों में आबंध कोटि समान होती है। उदाहरण के लिए F2 तथा O2- में आबंध कोटि कितनी है, 1 है। O2-2, O2+2, O2-1, इन सब में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की रचना भी हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए ये सारी डेफिनेशन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ये सारी डेफिनेशन आगे आपको इसी चैप्टर में भी काम आएंगी और दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएंगी। ओके, नाउ टेक केयर, बाय।